हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर रविंद्र खंडेलवाल। आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम योर चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री ऑफ योर 9th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी। सो बढ़ते हैं आगे। सम फर्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, आपको कारण भी बताना है। तो क्वेश्चन अराइज होता है, पहला, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो देखते हैं, हम यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट लेते हैं। देखो एक लाइन, देखो बेटा ये सिंगल पॉइंट लिया मैंने और यहाँ से एक लाइन पास करी, इस फिर इसी पॉइंट से दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, तो ऐसा मैं मोर देन वन लाइन कैन पास, और भाई साहब कह रहे हैं ओनली वन लाइन कैन पास, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो देखो यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, फॉल्स, इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास थ्रो ए पॉइंट। तो एक पॉइंट से मैनी लाइन कैन पास। सेकेंड, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रो टू पॉइंट। सो यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेंगे, हम देखेंगे यहाँ से एक कितनी लाइन गुजर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ओनली वन लाइन कैन पास, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि थ्रो टू डिस्टेंस ओनली वन लाइन कैन पास। सेकंड है, ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट मोशन। सिंपल सी बात है कि लाइन सेगमेंट टर्मिनेटेड, तो इसको कितना भी आगे बढ़ा लो, तो ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है। उसके बाद, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। सिंपल सी बात है, अगर दो सर्कल इक्वल है तो सिंपल सी बात है उनका सर्कमफेरेंस इक्वल है। तो इसका सर्कमफेरेंस पाई आर वन है, इसका सॉरी टू पाई आर वन है, टू पाई आर टू है, तो अगर कंपेयर करेंगे टू पाई से, तो आर वन इजकल टू आर टू, तो कह सकते हैं अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद फिफ्थ कहता है, इफ ए बी इजकल टू पी क्यू, ये जो ए बी है पी क्यू के बराबर है और ये जो पी क्यू है ये एक्स वाई के बराबर है, तो प्रूव करना है ए बी एक्स वाई। सिंपल सी बात है, थिंग्स विच आर इक्वल टू थिंग्स दे अदर थिंग्स आर इक्वल। ठीक है, अगर पी क्यू इसके भी इक्वल है, पी क्यू इसके भी इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होंगे। इस हिसाब से ए बी, कहने का मतलब क्या है, ए बी पी क्यू इक्वल टू ए बी है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो इसलिए ए बी इजिकल टू एक्स वाई हो जाए। ठीक है, एक्सियम्स है इससे। उसके बाद, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड। मान लो आप पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बताना है, तो वो और बतानी है कि किस किस की मदद से आपने पैरेलल लाइन को डिफाइन किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं और जिनका कभी भी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसमें मतलब कभी भी वो मीट नहीं करती, क्या करती है, नेवर मीट, आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे को ये क्या कहते हैं, पैरेलल कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अनडिफाइंड है वो जिसकी जरूरत है पॉइंट की और स्ट्रेट लाइन की, सही पैरेलल लाइंस है वो स्ट्रेट लाइन के दूसरे लाइन के पॉइंट्स तक स्ट्रेट लाइन से बनी होती है, स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ी, और दूसरा जो कहीं पे मीट नहीं करती, कम से कम किसी भी पॉइंट पे नहीं काटती, पॉइंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, पॉइंट क्या है, जिसकी कोई पार्ट नहीं होती है,
एक पॉइंट क्या है, डायमेंशनल लेस होता है, ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। ए लाइन इज ब्रेथ लेस लेंथ। अब एक लाइन है जैसे, इसकी लेंथ तो इनफाइनाइट है लेकिन ब्रेथ नेग्लिजिबल है, तो इसलिए लाइन क्या है, ब्रेथ लेस लेंथ है। स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाई इवेंटली विद द पॉइंट ऑन इट्स सेल्फ। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, इफ वन अमोंग टू पैरेलल लाइन इज टर्न बाय 90। मान लो दो पैरेलल लाइन है, एक मैं पैरेलल लाइन पहले ही, अगर इस लाइन को मैं 90 डिग्री पर रोटेट कर देता हूँ, ओके, तो ये लाइन रोटेट करके मान लो यू आ गई, ये नहीं आ गई, तो जब ये लाइन यू आ गई तो आप देखते हो तो लाइन क्या थी, यू से यू हो गई। तो ये जो दोनों लाइन होंगी इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री, और ये जो लाइन है एल और एम, ये आप क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगे। तो बिल्कुल, तो इसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ी, पैरेलल लाइंस की हेल्प ली मैंने, ठीक है, रोटेशन थ्रू 90 डिग्री इसकी जरूरत पड़ी। रोटेशन का मतलब होता है रोटेशन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड थर्ड लाइन सेगमेंट। ए लाइन विद टू एंड पॉइंट इज नोन एज लाइन। चलो हमने आपको लाइन पढ़ाई हुई, अगर लाइन को यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, तो ये बन जाता है। सो ये है लाइन, है इनफाइनाइटली लेंथ होती है लेकिन इसको मेजर कर सकते हैं, इसकी फाइनाइट होती है लेंथ, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर किसी लाइन को, ये वो लाइन है, इसके दो एंड पॉइंट से तो एक लाइन सेगमेंट बन सकता है, ठीक है। तो लाइन और इसमें हमें जरूरत पड़ी लाइन और पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंटों की और लाइन से हमने लाइन सेगमेंट को डिफाइन करा। लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, हमने पहले बता दिया। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल। तो द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एंड एट द पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। मान लो एक सर्कल है, एक पॉइंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट और सेंटर पे, एक पॉइंट सर्कल पे हो, तो वो जो है वो रेडियस कहलाता है। तो रेडियस को डिफाइन करने के लिए हमें सर्कल की जरूरत पड़ी, पॉइंट की जरूरत पड़ी है, और एक लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ी है, तो पहले ही हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोर साइड इक्वल हो और फोर एंगल भी इक्वल हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कहलाता है। तो यहाँ पे हमें साइड की जरूरत पड़ी, एंगल की जरूरत पड़ी डिफाइन करने के लिए। आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कह रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये सम यही पूछ रहा था कि गिव डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन दे दी भाई ये है, लेकिन उनके डेफिनेशन के लिए किस किस चीज़ की हमें जरूरत पड़ी वो भी हमें मैच करें, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन। तो नीचे दो पोस्टुलेट दिए हुए हैं, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इन पोस्टुलेट वन, इन बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स एन अनडिफाइंड टर्म विच अपील टू आवर ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन। The postulate are consistent, they don't contradict each other. The postulate होता है contradict. Both of these postulate don't follow from Euclid postulate. However, they follow from the axiom given below. Given two distinct point, there are unique line that pass through them. तो एक AB है, straight line pass होगी, ठीक है?
देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंपेरिजिंग दिस लाइन चूज एन एक्सेप्ट टू पॉइंट एंड बी द पॉइंट लाई ऑन ए ए बी तो वो क्या है ए बी पर लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है नंबर ऑफ जो है पॉइंट्स हो सकते हैं इस ए बी लाइन पर नॉट ओनली ए बी ठीक है ए और बी को छोड़ के बहुत सारे हमारे यहाँ पॉइंट। दूसरा क्या है देर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट दैट आर ऑन द सेम लाइन मतलब कि जो जो सेम लाइन पर वो कम से कम तीन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। इफ देर आर ओनली टू पॉइंट दे कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड बाई स्ट्रेट लाइन सिंपल है फ्रॉम यू कैन पोस्टुलेट देर फॉर देर हैव टू बी एट लीस्ट थ्री पॉइंट फॉर वन ऑफ देम नॉट टू फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द अदर टू पॉइंट ठीक है। आगे हम चलते हैं इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी अगर दो पॉइंटों के बीच में ठीक है सी पॉइंट लाई करता है और ए सी इजिकल टू बी सी गिवन है प्रूव करना है ए सी इजिकल टू हाफ ए बी ठीक है ये बी पॉइंट तो देखते हैं फिगर में दिया हुआ है जो कंडीशन है तो आपको पता है अगर हम ए सी बराबर हमको दिया हुआ है बी सी तो हम बोथ साइड ए सी जोड़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा मिल गया तो ए सी प्लस ए सी जो होएगा आपका टू ए सी हो जाएगा और बी सी प्लस ए सी ए बी हो जाएगा तो ए सी इजिकल टू हाफ ए बी प्रूव हो चुका है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन फोर सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ठीक है। सिंपल सी बात है मान लेते हैं ये ए बी है और सी इसका मिड पॉइंट है मान लेते हैं इसका डी भी मिड पॉइंट है ठीक है। तो सो आपने देखा कि सपोज ये ए बी है और ये सी मिड पॉइंट है और डी भी कोई मिड पॉइंट है अगर मिड पॉइंट है तो इसी हिसाब से ए सी बराबर होएगा हाफ ए बी जो दिया हुआ है और अगर ये मिड पॉइंट है तो इसी हिसाब से ए डी बराबर भी होगा हाफ ए बी। तो देखो सी मिड पॉइंट होने से ए सी बराबर हाफ ए बी और डी मिड पॉइंट होने से ए सी ए डी बराबर भी हाफ ए बी क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है हाफ में डिवाइड करता है उसे। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो ए सी इजिकल टू ए डी और ये कब तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए सी और डी और सी पॉइंट कोइंसाइड हो मतलब यहीं पे कहीं पे डी पॉइंट हो तो ये इसका मतलब क्या है दिस इज पॉसिबल है डी कोइंसाइड विद सी देयरफॉर सी इज द यूनिक मिड पॉइंट मतलब हम कह सकते हैं कि वही सी है उसी का दम दो जा दिया तो एक ही मिड पॉइंट होता है असल। चलो हम कहते हैं इफ ए सी इजिकल टू बी डी मान लेते हैं ए सी इजिकल टू बी डी है प्रूव करना है कि ए बी इजिकल टू सी डी सिंपल है तो गिवन है ए सी इजिकल टू बी डी तो जैसे हम फिगर से देखेंगे तो हमें मिलेगा ए सी इजिकल टू ए बी प्लस बी सी और जो बी डी इजिकल टू बी सी प्लस सी डी और इक्वेशन वन और टू से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए सी इजिकल टू बी डी सॉरी गिवन है तो ए सी इजिकल टू बी डी गिवन है तो हम देखेंगे ए बी प्लस बी सी ये बराबर हो जाएंगे और बी सी से बी सी ख़त्म तो इससे हमने प्रूव हो गया ए बी इजिकल टू सी डी ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम सेवन और लास्ट सम की बात करते हैं वाई इज एक्सियम पाँच इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसीडर एज यूनिवर्सल तरफ नॉट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट याद रखना ये फिफ्थ पोस्टुलेट से नहीं है ठीक है ये वाला फिफ्थ पोस्टुलेट टाइप है ये एक्सियम से है तो एक्सियम हो जो फिफ्थ है वो कहता है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल
and therefore can never be greater than the whole as magnitude. ठीक है, ये सपोज दिस इज योर होल और ये इसका कोई पार्ट है. सिंपल सी बात है, ये इसमें फिट हो सकती है. तो जो पार्ट है वो कभी भी होल से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए होल इज ग्रेटर देन पार्ट ऑल. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. तब तक के लिए